नमस्कार, सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं अंकुर यादव। बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे आज की खास खबरों का। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। शहर में चल रहा भीख का सुनियोजित कारोबार, हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त परिवार के 80 लोग मांग रहे भीख। बाजार में नकली ब्रांड्स के कपड़े थमा रहे दुकानदार, आसान तकनीक के जरिए आप भी पता लगा सकते हैं कपड़ों का नकली ब्रांड। बुधवार से फिर हटेगा शहर का अतिक्रमण, लाल लकीर खींचकर बांधा जाएगा अतिक्रमणकारियों का दायरा। खजुराहो में उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त को सब इंस्पेक्टर अंजना दुबे ने पढ़ाया कानून का पाठ, मंदिर देखे बगैर बेरंग लौटे सूचना आयुक्त। चलिए सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप चौंक उठेंगे। बड़ी खबर में आज बात करेंगे छतरपुर में चल रहे ऑर्गेनाइज्ड भीख मांगने के कारोबार की। हट्टे कट्टे लगभग 80 लोगों के एक परिवार के द्वारा इन दिनों सुनियोजित तरीके से छतरपुर की सड़कों पर भीख मांगी जा रही है। भीख अक्सर लोग मजबूरी वश मांगते हैं। कुछ बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को भीख मांगते हुए या विकलांगों को भीख मांगते हुए देखा गया है, लेकिन शहर में 80 लोगों का एक परिवार ऐसा भी है जो पूरी तरह से तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा और जवान है, इसके बाद भी भीख मांगने के कारोबार में लिप्त है। पेप्टिक टाइम ने शहर के नारायणपुरा रोड इलाके में रहने वाले इस परिवार के तरफ कैमरा घुमाया तो कुछ चौंकाने वाले नज़ारे सामने आए। इन लोगों ने बताया कि ये पैतृक विरासत के रूप में भीख मांगने के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस परिवार में जो मुखिया हैं उनके बच्चों की संख्या भी अधिक है। पालन पोषण मजबूरी में हो रहा है, लेकिन जनसंख्या लगातार इनके द्वारा बढ़ाई जा रही है और शहर में मासूम बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। महिला सशक्तिकरण विभाग इन बच्चों के लिए काफ़ी काम करता है। कहने के लिए तो कागज़ों में तमाम काम होते हैं कि इनको स्कूल में पढ़ाना है, इसके अलावा ये बच्चे कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि शर्मिंदा होना पड़े। तमाम चीज़ों को लेकर विभाग तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों में दिख रहे हैं। आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से ये परिवार है जो मांग कर अपना परिवार चला रहे हैं। इसके अलावा इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी इसी धंधे में शामिल होना पड़ता है। मजबूरी यह है कि इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल भेज सकें और अच्छी पढ़ाई करवा सकें। तमाम दिक्कतें हैं इनकी, खुद ही इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार वो कैसी समस्या है जिनको लेकर ये दो चार हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? नत्थू। कहाँ के रहने वाले हो? सुरामपुर, जिला चित्रकूट। अच्छा, छतरपुर में क्या करते हो? मानते खाते जिंदगी से आते, इंदिरा के आगे से आते, कभी जमीन नहीं मिल रही है, बच्चे नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ कर सकते बच्चों को, कोई जरजात नहीं है, मांग कर खाते। बच्चे कितने हो? सभी के बच्चे चार चार पाँच पाँच बच्चे सब। ये बच्चे क्या करते फिर? क्या करते हैं? इसी धंधा वो भी सीखेंगे, मांगना खाना सीखेंगे, झाड़ू बनाएंगे, कूचा बनाएंगे, जब तक चल रहा जब तक चलाएंगे। सरकार कोई ध्यान देती है? सरकार क्या ध्यान दे, रहने के लिए वहाँ घर नहीं है, दस दस पाँच पाँच फुट जमीन, उसी में मड़ैया ढाई पैरे थे, बरसात काटा फिर निकल आए, भागी आए, बिना अपना मांगना खाना शुरू कर दिया। इसी भर से ऐसे हालात। अरे इंदिरा गांधी पुरखा मर गए, पुरखा मर गए, वहाँ पढ़ते थे, कदीर के लगे, गुलाब के लगे, इंदिरा के आगे से आते हैं, ये घर मकान कुछ नहीं। उदय श्याम बताइए, आपको कितनी उम्मीद है कुछ सरकार कर सकती है आप लोगों? अब आप लोग हैं, कुछ ज्यादा है तो वही बहुत अच्छा। नान नान बच्चे हैं हम लोगों के पास, चार बच्चे हैं, शादी करना तो इसी जगह से, यहीं से सब हो जाता है। तो आप लोग इतने सक्षम है कि आप लोग कुछ काम क्यों नहीं करते? अब क्या करें, यही नानी बार बाबा गिरी कर लेते हैं, चोरी बदमाशी किसी का नहीं करते, क्यों नहीं करते? अब यही धंधा हमारा है, बुजुर्गों का। हमारा बाप बाबा था, बाप के बाप बाबा थे, हम भी बाबा ही। हाँ, हमारी पैदाशी बाबा की। आपका क्या नाम है? हमारा सुजान। सुजान, कितने सालों से ये काम कर रहे हो?
अब ये बहुत सालों से कर रहे हैं, बचपन से ही। बचपन से बता दो, हमारी पुरखात में यही चला आया, हमेशा हमेशा यही करते चले आए, और कुछ है ही नहीं है आगे। अगर सरकार आप लोगों की ओर ध्यान दे तो कुछ करोगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसीलिए मजदूरी वगैरह कर सकते हो? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ऐसे ही भीख मांगते रहोगे? नहीं कर सकते, बाल बच्चों को देखेंगे क्यों नहीं, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास कि इनको पढ़ा सके लिखा सके, कुछ है ही नहीं है, कहीं यहाँ पड़े रहे, कहीं टीकरगढ़, कहीं छतरपुर। स्कूल को समस्या मिले तभी तो भेजे, बनाएंगे, मांगते खाते हैं, तो सब तो ये तो पूरा जीवन चला है। अब क्या सोचे, जिंदगी भर तो यही है हमारा। तो ये परिवार है, ऐसे ही मांगते खाते हुए इनका जीवन निकल गया है। कई इनके बुजुर्ग जो हैं इसी तरीके से अपना मांगते खाते हुए जीवन व्यतीत कर चुके हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे नौनिहाल दिख रहे हैं ये अपने भविष्य की चिंता नहीं है। इनके माँ बाप को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास इतना पैसा नहीं कि बच्चों को पढ़ा सके, और सरकार भी इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तमाम इनके बच्चे हैं ऐसे हैं जो इधर उधर मांग कर खाकर जीवन यापन करते हैं, कई झाड़ू बनाते हैं, तो ऐसे कैसे इनका चल पाएगा ये तो इनका भविष्य ही बताएगा। लेकिन सरकार को कुछ इनकी तरफ सोचना चाहिए और इनका भविष्य उज्जवल बनाना चाहिए। पेप्टिक टाइम के लिए लोकेश चौरसिया। तो देखा आपने किस तरह से बेफिक्र होकर ये लोग बता रहे हैं कि भीख मांगने का कारोबार वर्षों पुराना है और वे इसे परंपरा के तौर पर निर्वाह कर रहे हैं। मासूम बच्चों को जिन्हें स्कूल जाना चाहिए उन्हें भीख मांगने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि छतरपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों से भीख मंगवाने के खिलाफ एक कड़ा कानून है, और ऐसे बच्चों को मुक्त कराने के लिए छतरपुर में भी 5 विभागों से बनी एक टास्क फोर्स गठित की गई है। लेकिन ये टास्क फोर्स ऐसे इलाकों में जाना मुनासिब ही नहीं समझती और इन मासूम बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस खबर के बाद हमने फोन पर बात की महिला सशक्तिकरण अधिकारी से। उदर सिंह ने हमें बताया कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे और जल्दी ही इस परिवार द्वारा जो बच्चों को भीख मांगने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। छतरपुर से भोपाल और इंदौर जाने के लिए बड़ी संख्या में रोजाना यात्री निकल रहे हैं, और यही वजह है कि छतरपुर से भोपाल इंदौर जाने के लिए लगभग 21 बसें सड़क पर दौड़ रही हैं। कब तक छतरपुर में रेलवे स्टेशन शुरू हो पाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन तब तक इन यात्रियों को किस तरह से भोपाल इंदौर ले जाया जा रहा है ये बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि स्लीपर बसों में सरकारी नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एसी और नॉन एसी के नाम पर गाइडलाइन को दुत्कारते हुए कई बसें बगैर परमिट की ही दौड़ रही हैं। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई पुख्ता जानकारी विभाग के माध्यम से सामने नहीं आई है, लेकिन बस स्टैंड इलाके से मिल रही खबरों के माध्यम से कई स्लीपर बसें बगैर इमरजेंसी गेट के और नियम कायदों को दरकिनार करते हुए दौड़ रही हैं। छतरपुर में हमारे यहाँ कितनी बस पंजीकृत हैं ये ज़्यादा एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो अपने यहाँ 12 बस जो है, लगभग 12 बस जो है पंजीकृत इस कर रहे हैं। शादियों के मौसम में अगर आप कपड़ों की खरीदारी करने के लिए निकले हैं तो याद रखिए छतरपुर की कपड़ा दुकानों में आपको नकली ब्रांड्स थमाए जा सकते हैं। असली ब्रांड के नाम पर नकली कपड़ों को थमाने का काम इन दिनों शहर की दुकानों पर जोरों से चल रहा है। इस तरह से लोगों से असली ब्रांड के पैसे लिए जा रहे हैं और उन्हें घटिया कपड़े थमाए जा रहे हैं। बहुत आसान नहीं होता है इन कपड़ों को पहचान पाना। आमतौर पर लोग असली ब्रांड का टैग देखकर ही इन कपड़ों की मुंहमांगी कीमत चुका कर चले आते हैं, लेकिन अगर ज़रा सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो इन फर्जी दुकानदारों से बचा जा सकता है। हमारे रिपोर्टर लोकेश चौरसिया ने इस पूरी खबर की पड़ताल की है, जो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इन दुकानों पर जाकर नकली ब्रांड्स से बच सकते हैं। सबसे पहले सुनिए दुकानदारों की बाइट, जो कितने खुश हैं इन दिनों शादी की खरीदारी को लेकर। इस बार फसल अच्छी होने के कारण एक ग्राहक में उत्साह का माहौल, फसल अच्छी होने के कारण उनके पास पैसों की आवक अच्छी है, इसलिए भरपूर खरीदारी कर रहे हैं। और तीनों महीने अप्रैल, मई और जून इस बार अच्छी सारंग होने के कारण लोग बार शादियाँ खूब कर रहे हैं, और शादियाँ होने के कारण खूब परचेजिंग हो रही है कस्टमर। आप नकली कपड़े ना खरीदें, इसके लिए एक छोटी सी तकनीक है। आपको जो भी कपड़ा खरीदना है उसके टैग पर जो बारकोड दिया गया है उसे कॉपी करना है मोबाइल के स्कैनर से और गूगल पर पेस्ट कर देना है, जिससे कि उस ब्रांड की पूरी जानकारी असली या नकली होने की आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी। इस बारे में
खबर दिखा रहे हैं, साथ ही आपको बता रहे हैं कि आप कैसे इसकी जांच कर सकते हैं। दोस्तों, छतरपुर के बाजार में इन दिनों खरीदारी खूब हो रही है और लोग ब्रांडेड चीजों को लेना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कहीं आप ठगी का शिकार ना हो जाएं, उसको लेकर बारकोड जो है मोबाइल पर आ चुका है। प्ले स्टोर पर आप बारकोड लेंगे तो उससे आप अपनी खरीदारी की पहचान कर सकेंगे कि क्या ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट है। इस समय हमारे पास ये जींस का पैंट है जिसका हम डेमो दिखा रहे हैं आपको कि इसमें ये जो बारकोड लगा है इसकी पहचान करते हैं कि ये ओरिजिनल जींस का पैंट है या फिर डुप्लीकेट है। ये देखिए, आप मोबाइल पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये स्कैन किया है और स्कैन करने के बाद ये आ गया, इसका ये तमाम चीज़ें क्लिक हो जाती हैं। और ये सर्च पे जाके आप गूगल पर जाके, जैसे कि आप गूगल पर जाएंगे तो उसमें इसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, तमाम चीज़ों को लेकर ये बता देगा कि ब्रांडेड है या डुप्लीकेट है। ये देखिए, ये लोकल का जीन्स है और बाज़ार में इसका लोगो लगा के कंपनी के नाम से बेचा जाता है। तमाम ऐसी ठगी से आप बच सकते हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं, ये फ्रूटी की बाटल है, इस फ्रूटी की भी पहचान करना बड़ा ज़रूरी है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसमें ये बारकोड लगा है, इसको भी जान लेते हैं कि आखिरकार ओरिजिनल फ्रूटी है या डुप्लीकेट कोई कंपनी द्वारा बेची जा रही है। ये देखिए, ये स्कैन होने के बाद ये बता दिया है, और ये जब स्कैन होती है तो ये बता रही है कि ये ओरिजिनल फ्रूटी कंपनी की बाटल है। और यहाँ पे जिस तरीके से आप ख़रीदारी करेंगे तो बाज़ार में जब ख़रीदारी करने जाएं ये ज़रूर चेक कर लें कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि इन दिनों बाज़ार में लोकल चीज़ें बेचने का ज़्यादा चलन चल रहा है और आप ठगी का शिकार ना हो जाएं, इसलिए अपने मोबाइल पर ये ऐप्स जरूर डालें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त को बेरंग लौटा दिया। दरअसल सूचना आयुक्त महोदय अपनी पूरी गाड़ियों के काफिले के साथ खजुराहो के साइलेंट जोन में घुस आए थे, जिसे देखकर सब इंस्पेक्टर अंजना दुबे वहां पहुंची और उन्होंने अफसर की एक न सुनी और पूरी गाड़ियों को बाहर कर दिया। कुछ देर के लिए यहां हंगामा भी हुआ, लेकिन बाद में अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण सब इंस्पेक्टर अंजना दुबे की सराहना की गई। जानकारी नहीं थी। हाँ, बस इतनी तो बात है सर, मुझे जानकारी नहीं, बस केवल इतनी ही बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केवल इतनी ही बात, बस तो इतनी ही तो बात करनी है। टूरिस्ट पुलिस को बोलो, बिल्कुल उनसे भी बोलेंगे सर, थोड़ा सा बात जरा। नहीं नहीं, उनसे भी हम बोलेंगे। प्रधानमंत्री एक ही है देश में, प्रधानमंत्री का नाम लिया उन्होंने, गलत बात कही है उन्होंने कि आप तो बड़े अधिकारी हैं, वो तो छोटे स्तर पे, लेकिन उन्होंने फिर भी कानून का पालन किया। हमने भी किया है पालन। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन 108 कंपनी की एक शर्त के कारण फिलहाल ये सेवाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। 108 एम्बुलेंस जो कि आकस्मिक स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए मदद का एक बड़ा जरिया बनी हुई थी, इसके कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर थे। श्रम विभाग द्वारा इनकी मांगें मान ली गई हैं और अब उनकी ड्यूटी 8 घंटे निर्धारित की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को रोक दिया और वे अपनी गाड़ियों को लेने के लिए सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें यहां गाड़ियां नहीं सौंपी गई। वजह बताई गई है कि कंपनी अब अपनी सेवा शर्तों पर ही इन ड्राइवर्स से काम कराएगी। हड़ताल में श्रम आयुक्त ने आदेश पारित कर दिया है कि 8 घंटे ड्यूटी करवाएगी कंपनी, लेकिन कंपनी 8 घंटे ड्यूटी मानने के लिए, कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी सिग्नेचर करवा रही है, आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, और जिस आधार पर हम ड्यूटी करवाएंगे, जितनी पेमेंट में करवाएंगे उसी आधार पर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, और 12 घंटे हम नहीं कराएंगे, कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है कंपनी। कंपनी कह रही है कि सिग्नेचर करना पड़ेगा। अपराधों की समीक्षा करने और पुलिस को शालीनता से व्यवहार करने की तरजीह देते हुए शहर में कंट्रोल रूम में क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। एसपी ललित शाक्यवार की मौजूदगी में आयोजित इस क्राइम मीटिंग में जिले भर के थाना प्रभारी शामिल हुए। इस मौके पर ललित शाक्यवार ने कहा कि पुलिसकर्मी आम जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित करें, उनके सामने शालीनता से आए ताकि उन्हें खबरें और अपराध से जुड़ी सूचनाएं समय पर मिलती रहे। आप तत्काल कर दोगे, तत्काल कार्रवाई करोगे तो लोग सेटिस्फाई होते हैं। न्याय आपने दिया और डिले, मतलब जो आप सर्विस दे रहे हो उसमें यदि आप डिले करोगे तो बोलते हैं कि डिले इन जस्टिस, आपने कोई अच्छा काम किया, मैंने आपकी पीठ नहीं थपथपाई और एक साल बाद अकेले में मिले, मैंने आपसे बोला यार अच्छा काम किया, तो आपको क्या फायदा। उसी समय यदि आपको रिवार्ड मिल जाए तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो। 2 दिनों से बंद चल रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम एक बार फिर बुधवार से शुरू होगी, और इस बार इस मुहिम के पहले नगरपालिका के कर्मचारी अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए सड़क पर एक लाल लकीर भी खींचेंगे। नजूल विभाग से फब्बारा चौक
सिर्फ चौक बाजार तक का नक्शा निकाला गया है और इस नक्शे के आधार पर एक लकीर खींची जाएगी और इस लकीर से निर्धारित होगा अतिक्रमणकारियों का सीमा और इस सीमा के भीतर रहने वालों को ही बख्शा जाएगा और इस सीमा से बाहर निकलने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यस्टरडे वाज संडे छुट्टी थी, आज मेरे द्वारा नजूल संधारण अपेक्षक के लिए निर्देशित किया गया है कि वह नजूल के जो नक्शे हैं उन नक्शों में अंकित रूट की चौड़ाई को नगर पालिका के अमले के सहयोग से मौके पर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के उपरांत नगर पालिका का अमला अतिक्रमित क्षेत्र को लाल स्याही से चिन्हित करेगा, उसके पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कल से शहर के गांधी आश्रम में इन दिनों कला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जन नाट्य संघ और गांधी आश्रम के द्वारा आयोजित किए जा रहे शिविर में बच्चे संगीत, पेंटिंग, थिएटर की कलाओं में निपुण हो रहे हैं। इन बच्चों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के सदुपयोग की सलाह के साथ इस शिविर में आमंत्रित किया जा रहा है। गांधी आश्रम में बच्चों का समर कैंप चल रहा है और मैं बच्चों को फ्लावर मेकिंग सिखाती हूँ, स्केचिंग, डांस, म्यूजिक एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। हम यहाँ गांधी आश्रम में सब कुछ होता है, ड्राइंग, डांसिंग और मतलब प्राणायाम, कपाल भाती, सब कुछ होता है। यहाँ पे पूरी बॉडी को सुधारा जाता है, हर चीज़ों को यहाँ पे सिखाया जाता है। मैं गांधी आश्रम में सिंगिंग सीखता हूँ और ये भी मेरे साथ सिंगिंग सीखता है। हाँ। हमें अभी स्वर सिखाए जा रहे हैं और एक प्रेयर और एक देशभक्ति गीत। हाँ। अलंकार भी सिखाए जा रहे हैं हमको और स्वर, और हमको साथ ही साथ हम लोग को सुबह सुबह से योगा भी कराया जा रहा है जिससे हम मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं। इसी तरह का एक शिविर शहर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में चल रहा है, जहां खेलों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है और उन्हें खेलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष युवक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस शिविर में सैकड़ों बच्चे जा रहे हैं और विभिन्न खेलों में अपनी अभिरुचियों के हिसाब से हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से ग्रीष्मकालीन खेल शिविर जूडो में आयोजन शुरू हो गया है और यहाँ पे 250 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। ये 5 मई से शुरू हो गया है, ये 4 जून तक चलेगा और यहाँ पे और भी खेलों में यहाँ पे समर कैंप चल रहा है, जिसमें वॉलीबॉल है, आपका मलखम है, फुटबॉल है, हॉकी है, खो खो है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है और नेटबॉल और एथलेटिक्स। क्या नाम है आपका? सुरेश निगम। सुरेश जी, किस तरह यहाँ पर गेम चल रहे हैं, ये क्या है, कब तक, कितने दिवसीय है? ये ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 5 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगा। इसमें विशेषकर मैं मलखम प्रशिक्षक हूँ और यहाँ पर नियमित रूप से, और इसके प्रशिक्षण के अलावा भी हमारा जो सेंटर है वो सुबह एवं शाम दोनों टाइम पे नियमित रहता है और अनुमानित अभी लगभग 500 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्रतिवर्ष जिला मुख्यालय पे करीब 1500 बच्चों के खेल में सहभागिता रहती है। यहाँ स्टेडियम में खेलने आते हैं और यहाँ पे 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं गेम्स, ग्रीष्मकालीन गेम्स हो रहे हैं और हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं यहाँ पे। सर हमारे हीरा सर हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं सर, हम लोग बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सुबह 6 बजे आ जाते हैं, उसके बाद रनिंग वगैरह लगाते हैं, सब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो बास्केटबॉल गेम के लिए बहुत ईजी होती है। यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड भी है जिसे हम बहुत अच्छी तरह खेलते हैं। हरिजन छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर बंद हो चुके मैथ्स को दोबारा शुरू कराने की मांग की है। इन छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी परीक्षाएं चल रही हैं तब तक छात्रावासों में मैथ्स का काम सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। हम लोग मतलब पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल से आए हैं और हम लोग का जो मैथ्स है मतलब वो बंद हो रहा है, हम लोग के अभी एग्जाम चल रहे हैं और मतलब अभी इन लोगों ने अचानक से कर दिया, मतलब कि मैथ्स बंद कर दिया। अभी हम लोग बहुत दूर दूर गांव से रहते हैं इधर पे और अचानक से मैथ्स बंद कर दिया, अब हम लोग कैसे मतलब खाने की व्यवस्था कैसे करें? तो जो हम लोग का जो मतलब जुलाई का पैसा था जो हम लोग के खाने के लिए आता था मैथ्स का, वो हम लोग ने मतलब सर लोगों से बोला है कि जो जुलाई का पैसा था वो हम लोग को अभी मई में कर दें, जिससे मतलब हम लोग का मतलब 1 महीने का मैथ्स चल सके। मई वैसे हम लोग के एग्जाम हो जाएंगे, फिर हम लोग अपने आप चले जाएंगे घर, वैसे भी अब छुट्टियाँ हो रही है एग्जाम बस के लिए, तो खाने की व्यवस्था हम लोग को करनी चाहिए। जिले भर के किसान इन दिनों परेशान है क्योंकि उनकी उपज का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
दरअसल सहकारी बैंकों के पास पैसा न होने के कारण किसानों का भुगतान अटका पड़ा है। गुहारा से खबर आई है जहां एक भाई को अपनी बहन की शादी के लिए ही पैसा नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने शिकायत की है कि उनकी उपज को खरीद लिया गया है लेकिन अब तक भुगतान न मिल पाने के कारण उनका काम अटका हुआ है। जे टीका लगवाया जी कौन दलाल मन हो जिनके आज के चेक लगा भी आज के पैसा ले है और बंदा के फेरू के उधर जे भैया जे महाराजा कहो जे टीका लगवाने तीन दिन जे कोआ कहो। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जावेद अख्तर को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। जावेद अख्तर ने अपनी इस नियुक्ति पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ललिता यादव और प्रदेश अध्यक्ष संवर पटेल का आभार जताया है, साथ ही उनके कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश की है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी एवं सुहास भगत माननीय प्रदेश महामंत्री की सहमति से आज प्रदेश के अध्यक्ष माननीय संवर पटेल के द्वारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें मुझे प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस पद को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। भारतीय मजदूर संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवकाश दिवसों पर दुकानों के बंद न किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष गिरजा पाटकर ने अपने साथियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि शहर में मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए अवकाश के दिवस निर्धारित किए गए हैं लेकिन इन दिवसों पर दुकानदार अपनी दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं, जिससे मजदूरों के हकों और अधिकारों का पालन नहीं हो पा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय को मजदूरों के हित के लिए आज एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि जो दुकानों में करने वाले हमारे श्रमिक हैं उनको 30 दिन बराबर काम कराया जाता है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं रहती है। तो हमने माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि छतरपुर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में अवकाश दिया जाता है, जैसे रविवार को बंद रहता है बस स्टैंड, छत्रसाल चौराहा बंद रहता है गुरुवार, और बाज़ार का एरिया सोमवार को बंद रहता है। तो इसका कड़ाई से पालन किया जाए, हम सभी लोगों ने इस पर इस अनुरोध को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। श्रम विभाग द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाहियों के विरोध में आज हमने जिला कलेक्टर और श्रम अधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें छतरपुर नगर के अलग अलग क्षेत्रों में अवकाश रहता है परंतु श्रम विभाग द्वारा उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे मजदूरों को बराबर 30 दिन काम करना पड़ता है, उन्हें रोजाना काम पर आना पड़ता है, उन्हें छुट्टी का और अवकाश के दिन भी नहीं मिलता है। इन्हीं बातों को लेकर हम श्रम विभाग अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को, अगर 30 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय मजदूर संघ एक आंदोलन करेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए पब्लिक टाइम पर। और चलते चलते एक बार फिर से देखते हैं सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पब्लिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। शहर में चल रहा भीख का सुनियोजित कारोबार, हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त परिवार के 80 लोग मांग रहे भीख। बाजार में नकली ब्रांड्स के कपड़े थमा रहे दुकानदार, आसान तकनीक के जरिए आप भी पता लगा सकते हैं कपड़ों का नकली ब्रांड। बुधवार से फिर हटेगा शहर का अतिक्रमण, लाल लकीर खींचकर बांधा जाएगा अतिक्रमणकारियों का दायरा। खजुराहो में उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त को सब इंस्पेक्टर अंजना दुबे ने पढ़ाया कानून का पाठ, मंदिर देखे बगैर बेरंग लौटे सूचना आयुक्त।